उत्तर मध्य मुंबई पर इस बार बहुत कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। यहां कांग्रेस की प्रिया दत्त, जिन्हें अभी आप सुन रहे थे, इनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की पूनम महाजन से है। प्रमोद महाजन की बेटी है और पूनम महाजन से बात की हमारे सहयोगी इमरान शेख ने। उत्तर मध्य मुंबई के भाजपा के उम्मीदवार पूनम महाजन इस समय हमारे साथ है, जो मत दे के अभी बाहर निकले। पूनम, सबसे पहले बताइए कि आज थोड़ा बहुत माहौल ठीक लग रहा है, मुंबई के लोग जो है मत देने बाहर आ रहे हैं। इतनी संख्या सुबह सुबह नहीं होती थी, तो मैं खुश हूँ, लेकिन मैं अपेक्षा करती हूँ, लोगों को अपील करना चाहती हूँ, जहाँ जहाँ मतदान हो रहा है, मध्य प्रदेश में कहीं हो रहा है, देश भर में, मैं युवाओं से, लोगों से, वोटरों से अपील करना चाहती हूँ, उस जनतंत्र को सशक्त बनाइए और वोट करिए। क्या क्या मुद्दे हैं जो आप अपने क्षेत्र में देखे कि अभी तक लोगों को पूरा नहीं किया गया है उनकी मांगों को? आपने पूरा क्षेत्र घूमा है उत्तर मध्य मुंबई, प्रिया दत्त पिछले 10 सालों से सांसद है, लोगों से बातचीत में आपने क्या महसूस किया? नहीं, मैं लोगों से बातचीत कर रही हूँ, मैं खुद मुंबई कर हूँ, हम सब मुंबई कर किस चीज़ से वंचित है। यह एक आर्थिक राजधानी, इंटरनेशनल सिटी है, इस शहर के लिए भी देखिए, पूरे देश भर में परिवर्तन चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, हाउसिंग वाइज, लेकिन जिस शहर में मैं रहती हूँ, जिस शहर को हम इंटरनेशनल सिटी, आर्थिक राजधानी कहते हैं, उस आर्थिक राजधानी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गत 10 साल से क्या हुआ ये मुंबई कर खुद जानते हैं, उनके हाउसिंग विषयों के लिए क्या हुआ है मुंबई कर खुद जानते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, 6 साल का हमारा NDA का रिकॉर्ड, हमने जो मेहनत की है, और 10 साल का UPA का ट्रैक रिकॉर्ड, इस पर लोग विचार करें, जिस प्रकार से अंतर है उस पर अभ्यास करें और बाहर आके वोट करें।